गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। दिस इज अवर सेकेंड सेशन ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एसएससी मेंस एग्जामिनेशन। फॉर मोर वीडियोस यू मे लॉग इन टू माय वेबसाइट www.dineshmiglani.com। इन दैट वेबसाइट यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज अदर टॉपिक्स ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इन हिंदी मीडियम। I expect from you to share my videos on your Facebook wall with your friends so that they will also be benefited by this. Let us start with the session, Profit and Loss, Most Expected Questions for SSE Mains. First statement is, an article is sold after two successive discount of 30% and 20%, right? First there is a discount of 30%, then 20%. The difference between the discounts is rupees 28. Find the mark price. Suppose if I say mark price is 100, first there is a discount of 30, 70, then 20%, that is 14. What I can say, देखिए पहले discount 30 का था पहले केस में, second केस में कितना था 14 का, कितना difference है दोनों में 16. तो according to question, it is given that कि अगर डिफरेंस 16 है तो मार्क प्राइस कितना है 100, डिफरेंस 1 होगा तो 100 बाय 16 और कितना डिफरेंस है 28, तो आप इनटू 28 कर देंगे, राइट? एंड यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड इट, 4 4 4 will 7, 4 will 25, 25 into 7 175, राइट? तो व्हाट आई कैन से कि मार्क प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 175 रुपीस हो जाएगा, दैट बिकम्स योर आंसर। बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फोर रुपीज 30, ए शॉपकीपर गेन्स 20%, इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 30, प्रॉफिट इज 20%, इट मीन्स सीपी मस्ट बी 25, दैट यू मे से ड्यूरिंग ए क्लियरेंस सेल शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, इट मीन्स वेन अर्लियर इट वॉज सोल्ड फॉर 30, नाउ वी हैव टू सेल इट फॉर 27, राइट? दैट इज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ 3। क्वेश्चन इज व्हाट इज द गेन परसेंट, तो माई सेलिंग प्राइस इज 27, कॉस्ट प्राइस इज 25, तो प्रॉफिट परसेंट इज 2/25 × 100, तो आंसर इज सेट टू बी 8%, तो वी कैन से दैट प्रॉफिट परसेंट इज 8%, दैट बिकम्स आवर आंसर। इफ फ्रूट वेंडर परचेज्ड 100 केजी ऑफ मैंगोज एट ए रेट ऑफ रूपीज 20, राइट? इट मीन्स टोटल कॉस्ट वॉज 2000, 10% ऑफ द मैंगोज गोट स्पॉइल्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड इज सोल्ड एट ए रेट ऑफ 10 पर केजी, इट मीन्स 10% ऑफ 100, दैट इज 10, एट 10 पर केजी 100, तो 100 रुपीज वी हैव रिकवर्ड, राइट? नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, 90 केजी। बाय व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग मैंगोज पर केजी अप्रोक्सीमेटली टू रियलाइज 20% ऑन द ट्रांजेक्शन, टोटल वॉज 2000, वी रिक्वायर 20% प्रॉफिट 2400, 100 वी ऑलरेडी रियलाइज, कितना पैसा बचा है 2300, ये हमें कहां से मिलेगा 90 को सेल करके, तो 1 का प्राइस कितना हो गया, जस्ट सॉल्व इट, 9 will go on 2, 18, 50, 9 will go on 5, 50, 5 and 5, right, 25.55, so you may say 26 rupees because both are here 25 and 26, but it is more than 0.5, so you may call it as 26, hence C is my answer. A manufacturer makes a profit of 15% by selling a color TV for 5750, right? It means we can say the cost price is 115 × 100, okay? If cost price increases by 30%, so this is the new cost price, and price paid by the retailer is increased by 20%. That is the new cost price, right? And this increased by 20%, it means earlier he was getting 5750,
Now he will pay 20% more. So just make it as just find 20% of this, right? So that would be 511150. It means new should be 0, 5, 5, 10, 0, 1, 2 or 7, 9 and 6, right? Also solve it. 100 is cancelled out. 5, 23. 5 will go on 26, right? 23, 2, 46 and 5, 250. Multiply them. 25, 6, 150, 0, 15. 50 and 15, 65. 6,500. So this is the SP and this is the CP. There is a profit of 400 divided by 6,500 into 100. Just solve it. 513, 580, right? So 6, 2 by 13% profit. ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए ए बिकम्स योर आंसर. कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट इट कुड बी डन विद दिस, राइट? तो आंसर इज 6, 2 बाय 13%. ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹80. फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ही स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%. इट मीन्स मार्क प्राइस इज 80, डिस्काउंट ऑफ 10%, सेलिंग प्राइस इज 72, प्रॉफिट ऑफ 20%. तो सीपी इज 120 इंटू 100, 12, 6. तो वट इज द कॉस्ट प्राइस? 60. हैंस डी इज माई आंसर. कॉस्ट प्राइस इज ₹60. डी बिकम्स योर आंसर. ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ आर्टिकल कॉस्ट इज 210, वट इज द मार्क प्राइस? सीपी इज 210, एसपी विल बी 120 बाय 100. देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%. इट मीन्स 87.5% ऑफ मार्क प्राइस इज एसपी. तो 87.5% ऑफ मार्क प्राइस इज दिस. तो 100% वी हैव टू फाइंड. तो इट शुड बी टेकन एज 87.5. तो इंटू 100, 0.5 वी हैव सोल्व, दैट इज 10, राइट? तो दैट वी हैव टू सोल्व, दैट इज अवर मार्क प्राइस. ओके, तो वट आई कैन से इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, वी कैन से दैट 12.5, इफ आई जस्ट सोल्व हेयर, 100 इज कैंसल्ड आउट, राइट? तो हेयर दैट इज 875, दिस इज 1200, कैंसल बाय 25, 25, 3, 75, राइट? इफ आई से 25, 3, 125, 5, एंड दैट वुड बी 1200, 25, 408. ओके, नाउ सॉल्व इट. 35 विल गो ऑन 6, 6, 8, 48, 8, 4, 24 एंड 4, 288, राइट? तो आप क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 288. दैट बिकम्स योर आंसर. अनिल बोट एन आर्टिकल फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 220. बाय वट परसेंट वट वुड बी द इंक्रीज इन द प्रॉफिट इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹230, राइट? तो वट आई कैन से वट वुड हैव बीन इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट. ओके, तो हेयर माई प्रॉफिट इज 15%, अर्लियर माई प्रॉफिट वॉज 10%. इट मीन्स वट इज द इंक्रीज? 5%. तो आंसर इज सेट टू बी ए, देर इज इंक्रीज ऑफ 5%. ए मैन सेल्स 5 आर्टिकल्स फॉर ₹15 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%. इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 3, प्रॉफिट ऑफ 20%. तो सीपी इज 2.5, 3 बाय 1.2. वट इज द प्रॉफिट इफ ही सेल्स 8 आर्टिकल फॉर 18.4? 8 आर्टिकल फॉर 18.4, इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 8 to 16 and 4, 2.4. सीपी इज 2.4, सीपी इज 2.5, एसपी इज 2.4. लॉस इज ऑफ 0.1 बाय 2.5 इंटू 100, राइट? यू कैन इजिली सॉल्व इट.
हाउ दैट वुड बी फोर, तो देर इज ए 4% लॉस वी आर नॉट हैविंग इन द ऑप्शन. अगेन चेक आउट द कैलकुलेशंस, 3 एंड देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 3 by 1.2 दैट इज 2.5, एंड गेन और लॉस परसेंट इफ 8 for 18.4, तो 8 to 16 एंड 20 for 2.4, राइट, तो दैट इज 0.1 by 2.5 into 100, तो मेक इट एज 1 by 25 into 100, देर इज ए लॉस ऑफ 4%, दैट बिकम्स योर आंसर. यू मे जस्ट चेंज इट हेयर, देर मे बी सम मिस्टेक वाइल राइटिंग द ऑप्शन, देर इज ए लॉस ऑफ 4%, दैट बिकम्स माई आंसर. ए मैन सेल्स एन आर्टिकल 5% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ यू हैड बोट इट फॉर 5% लेस एंड वट ही पेड फॉर एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 10%. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस से सीपी इज एक्स, सेलिंग प्राइस इज 105 by 100, इफ यू बोट इट फॉर 5% लेस इट मीन्स सीपी वुड बी एक्स इंटू 95 by 100 एंड सेल्स इट फॉर ₹2 लेस, सब्ट्रैक्ट 2 एंड नाउ इज प्रॉफिट इज 10%, तो 110 by 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन, जस्ट सॉल्व इट. तो वट वी कैन से, 0 इज कैंसल्ड आउट, 519 एंड 52, राइट. नाउ हेयर इफ आई सॉल्व, वट आई कैन से 521 एंड 520, राइट. तो आई जस्ट टेक द एलसीएम, दैट इज 21x minus 40 by 20, एंड हेयर इट इज 19 into 11 19 1 19 9 carry 1 19 and 120 209x by 200, दिस विल गो ऑन 10. तो यू मे से 210x minus 400 equal to 209x, राइट. तो एक्स इज इक्वल टू 400, तो कॉस्ट प्राइस इज 400, हेंस यू कैन से डी इज योर आंसर, कॉस्ट प्राइस इज 400, दैट बिकम्स योर आंसर. ए ट्रेडर बायज टू आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹600 each, राइट. तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ही मार्क्स देम एट ए सेम प्राइस, राइट. तो मार्क प्राइस इज सेम, लेट अस से मार्क प्राइस इज एक्स, ही सेल्स ए आफ्टर 2 डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, इट मीन्स 90 by 100 एंड 80 by 100, यू मे से इट, एंड स्टिल गेन्स 240, इट मीन्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 840, क्योंकि देखो 600 तो कॉस्ट था, 240 गेन हो रहा है, 840 हो गया, और एक्स मार्क प्राइस हमने लिया है, एक्स आ जाएगा यहां से, कैंसिल हो गया, राइट. तो एक्स कितना हो जाएगा, 840 इंटू 100 बाय 9 इंटू 8, तो व्हाट आई कैन से, दैट इज माय एक्स, राइट. नाउ क्वेश्चन इज, इफ ही सेल्स बी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर बी, तो आई कैन फाइंड, देखो दैट इज द मार्क प्राइस, नाउ देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर बी, तो दैट इज द एसपी फॉर बी, 90 by 100, जस्ट सॉल्व इट, 9 विल गो ऑन 10, 4 विल गो ऑन 2, 4 विल गो ऑन 210, 2 विल राइट, और 2 विल गो ऑन 5, तो यू मे से 0, 5 एंड 105, ओके, राइट. अब देखो बी के लिए कॉस्ट कितनी थी, 600, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 450 का, तो वी कैन से बी इज माय आंसर, प्रॉफिट फॉर बी इज ₹450, दैट इज हिज आंसर. ए मर्चेंट परचेज्ड 20 kg ऑफ राइस एट ए रेट ऑफ 25 एंड मिक्स विद 25 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 10, राइट. एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 20%, इट मीन्स 20 into 25 500 plus 25 into 10 250, टोटल वाज 50, तो 750 by 50, तो 1 kg का उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 15, 20% का चाहिए उसे प्रॉफिट, ये ना देखिए 20 को 25 से किया आपने 500, और फिर आपने किया 25 को 10 से 250, सॉरी वी हैव कमिटेड ए मिस्टेक हियर,
20 kg or 25 kg, this is 45 kg. So that is a mistake we have made. 280, loss of 15% and head profit of 19. So 19 to the 38, its selling price is 238. If I take 15% loss, so 15 is 120, 0, carry 12, 30 and 12, 42. Here loss is 42, that is same as to 238, right? So you may say, cost of the lowered is 200, C is my answer. So better to think with option, so that would be a better choice, the C is your answer. A coil merchant makes a profit of 20% by selling coil at 25 per quintal. If he sells at 22.5 per quintal, what is the profit percent? Selling at 25, profit is 20%. It means CP would be 25 by 1.2, or you may take it as 6 into 5. So this is 125 by 6. This is the cost price. If selling price is 22.5, right, it means first I will take the profit, okay, so that would be, if I take my LCM multiply, so just take it LCM, that is 6, so you may say that is 135, it means 10 by 6, so profit is of 10 by 6 divided by CP 125 by 6 into 100, 6 is cancelled out, 25, 5, 25, 4, 5, 2. So there is a profit of 8%, right? Hence we can say D is my answer. There will be a profit of 8%. D becomes your answer. How much percent more than the cost price should a shopkeeper mark so that after giving a discount of 12.5, there is a profit of 5? So we can say 5 equal to M minus 12.5 minus M into 12.5 divided by 100, it will go on 8, M minus M by 8, that is 7M by 8, and 5 plus 12.5 is 17.5, right? The M equal to 7 will go on 2.5 into 8. Answer is 20%. So we can say the mark price is 20%, hence C is my answer. 20%, that becomes your answer. A color TV and a VCP were sold for 12,000 each. The TV was sold at a loss of 20%, while VCD was sold at a profit of 20%. Right? Find the gain on the whole transaction. Just take CP for the first 12,000 divided by 1.2, that is 10,000. For the second by 0.8, that is 15,000. The total CP was 25,000 and SP is 24,000, right? So what we can say, there will be a loss of 1,000, okay? Hence B is my answer. Loss of rupees 1,000, that becomes your answer. A merchant makes a profit of 20% by selling an article. What would be the percentage change in the profit if he had paid 10% less for it and customer paid 10% more? Means 100 rupees cost thi, to 120 rupees SP tha. Ab kehta hai ki usne 10% kam pe liya tha, 90 pe liya tha. Customer ne 10% zyada pay kiya, 132, right? To hume percentage change in profit percent batana hai. To kitna profit ho raha hai 42 ka? Divide by 90 into 100. This is cancelled out. 314. So 140 by 3%. Okay. Earlier there was a profit of 20%. We have to find percentage change. Right. It means 140 by 3 minus 20 divide by 20 into 100. That is 60. 80 by 3. Right. So 80 by 3 into 20 into 100, 24, 400 by 3, 133.33% is the change in profit. So answer kya kar doge aap? C. C becomes your answer. 133.33% jo hai, wo aapka change in profit hoga.
ये हमारा आंसर होगा। ए सोल्ड ए टेबल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। लेटर ऑन बी सोल्ड इट बैक टू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड गेनिंग ₹29। राइट, इट मींस लेट अस से ए के लिए एक्स का था तो बी को सेल कर दिया 1.15x पे। अब बी ने ए को सेल किया, बी सोल्ड इट टू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इट मींस बी को कितना पैसा मिला, 1.15x इंटू 1.2, इतना पैसा बी को मिला। राइट, तो इनका जो डिफरेंस है वो एक तरह से कितना है, 69 के इक्वल है। तो व्हाट आई कैन से, 1.15x माइनस 1.15x, तो ये किसके इक्वल है, 69 के इक्वल है, क्योंकि बी को तो गेन 69 का हो रहा है। मतलब बी ने उसी सामान को लेने के लिए इतना पैसा दिया था, 1.15x दिया था, और अब उसे 1. इतना पैसा मिल रहा है। राइट, तो यू मे से दैट 0.2x इक्वल टू 69। राइट, तो x वुड बी टेकन एज 69 बाय 2.2, तो 2 इंटू 10 5, तो दैट वुड बी 345। राइट, इट मींस ए ओरिजिनली पेड, हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल ओरिजिनली, दैट इज 345, क्योंकि हमने एक्स अज्यूम किया था ए के लिए, तो कितना आंसर हो गया, 345। प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इज 180, रिटेलर पेज 137.7 फॉर इट बाय गेटिंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एट अनदर रेट। तो टू डिस्काउंट्स आर देयर, राइट, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द अदर डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, तो व्हाट आई कैन से, 180 फर्स्ट 10% 18 डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू 162। राइट, तो वी हैव टू फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट, तो जस्ट मेक इट एज, लेट अस से दिस इज एक्स परसेंट ऑफ इट इक्वल टू 137.7, जस्ट फाइंड आउट एक्स। तो यू मे से इट एज 137.7 बाय 162 इंटू 100, एट समवेयर इट शुड बी कैंसल्ड आउट व्हेन आई से 1, दैट्स ए 9, राइट, तो 9 विल गो ऑन 9, 1, 18, व्हेन आई टेक दिस 9 विल गो ऑन 1, राइट, 47, 5 एंड 3, ओके, अगेन इट विल गो ऑन 9 विल गो ऑन 2, तो दैट इज 9 विल गो ऑन 1 एंड 0.7, 2 विल गो ऑन 50, दैट इज 85, इट मींस 85%, तो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 15%, क्योंकि अगर 15% का डिस्काउंट है तभी तो ये वैल्यू 85% हो रही है। हेंस आंसर इज सेट टू बी सी, सी बिकम्स अवर आंसर। तो दिस इज एंड टू अवर सेकेंड सेशन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप यू एंजॉयड इट। फॉर मोर वीडियोज यू मे लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.dineshmiglani.com। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, ताकि वो भी बिना कुछ पैसा खर्च किए गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सके। धन्यवाद।